लेट मी सर्च फॉर रेस्टोरेंट, ओके नहीं है, किस तरीके की पोस्ट लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरीके का आपको कंटेंट अपना डालना है, कौन कौन से सोशल मीडिया पे अगर आप बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं तो वहां से सिर्फ आपको आपके कस्टमर्स की अटेंशन लेनी, दैट कवर्स अबाउट इंप्रेशन 74,325. ओके, सो हाय, दिस साइड उमर, वेलकम टू आवर YouTube चैनल कैटनिक्स डिजिटल मीडिया. In this video, we are going to discuss about social media marketing. How is social media marketing is important for your business? How you can grow with the help of social media marketing? So let's jump on the screen and tackle out all that activities, all that needs regarding social media. In this chart, we are going to learn about 5 points. Let me show you the points. फर्स्ट वन इज सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस, आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है सोशल मीडिया. सेकंड पॉइंट इज हाउ टू स्टार्ट विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको एक शुरुआत कैसे करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग की. थर्ड पॉइंट इज जनरेटिंग बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से बिजनेस कैसे जनरेट करा जा सकता है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, क्या क्या किस तरीके से कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट इज मिस्टेक्स, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं अगर आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं फिर भी. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रूल्स फॉर सोशल मीडिया, ऐसे क्या क्या रूल्स हैं जो सोशल मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोशल मीडिया इम्पैक्ट. इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, अवेयरनेस करता है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर है आपको इंक्वायरीज जनरेट करके देता है, आपको बिजनेस आपका रिलेशनशिप बनाता है आपकी ऑडियंस के साथ. तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर हम यूथ की बात करें तो वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे, और अगर सोशल मीडिया जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम, वहां पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है, और अगर हम थोड़ा सा हायर एज ग्रुप की बात करें तो फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव है. ठीक है, तो ये आपके बिजनेस के इम्पैक्ट है. दूसरी हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स रन करने हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा या क्या क्या चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी जिससे आप एड रन अच्छे से कर सकें. प्लेटफॉर्म, एक आपको अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है, कॉम्पिटिटर, कंटेंट, कंसिस्टेंसी, ये चार पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है जब आप अपना सोशल मीडिया की मार्केटिंग करनी शुरू करेंगे. उससे पहले ये चार पॉइंट आपको चेक करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मीन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें से आपको जो बेटर लग रहा है, जहां पे आपकी ऑडियंस ज्यादा है वहां उसको आप प्रेफर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन, ट्विटर, अगर आपको ये भी लगता है कि आपकी ऑडियंस यहाँ पे है तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने हिसाब से कि कहाँ पे आपकी ऑडियंस है, वो आपको फाइंड आउट करना है. कॉम्पिटिटर, फिर आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स कैसी कैसी पोस्ट डाल रहे हैं. लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, लेट मी सर्च फॉर रेस्टोरेंट, ओके. तो आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे किस तरीके की पोस्ट रेस्टोरेंट हैशटैग रेस्टोरेंट के नाम से यहाँ पे पोस्ट आ रही है, किस तरीके की पोस्ट लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरीके का आपको कंटेंट अपना डालना है, कौन कौन से हैशटैग यूज हो रहे हैं. तो दीज आर द टाइप ऑफ द पोस्ट, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे अपने कस्टमर की अटेंशन गेन कर रहे हैं, तो एक आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा. तो इस तरीके से आपको अपने कॉम्पिटिटर पर रिसर्च करनी है, फिर आपको अपना कंटेंट फ्रेम आउट करना है पूरे मंथ का, जिससे आपके पूरे अकाउंट की कंसिस्टेंसी रहे. क्योंकि अगर हम मार्केटिंग शुरू कर देंगे और हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नहीं होगा या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पर इतनी अच्छी पोस्ट नहीं है जो हमारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, देन देयर इज नो यूज. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपना प्लेटफॉर्म को रेडी करना है मार्केटिंग करने के लिए. जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ के कोई भी आप शॉप जब आप ओपन करते हैं या कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं तो पहले आप अपना जो ऑफलाइन शॉप होती है, स्टोर होता है, उसको पहले डेकोरेट करते हैं कस्टमर्स के आने से पहले. जस्ट लाइक दैट आपको प्लेटफॉर्म को पूरा तैयार करना है. नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट जनरेटिंग बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया, जनरेटिंग बिजनेस कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं. देखिए, बिजनेस जनरेट करना इतना आसान नहीं है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉट ईजी और हुक, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
सोशल मीडिया पे अगर आप बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं तो वहां से सिर्फ आपको आपके कस्टमर्स की अटेंशन लेनी। सो लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के किस तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। लेट मी ओपन फेसबुक, सी लेट मी ओपन डाउन द एड मैनेजर ऑफ फेसबुक। यू कैन सी दैट वी हैव रन अ कैंपेन दैट covers about impression 74,325, okay, for one of our client and reaches 42,038 and the result is 533, okay. Now let me show you with the other account. इसमें जो पहला कैंपेन मैंने आपको दिखाया था उसमें बेसिकली क्या प्रॉब्लम थी कि वो व्हाट्सएप से कनेक्ट कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे जा रहा था सब कुछ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने व्हाट्सएप की जगह हमने मैसेंजर से कनेक्ट करा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एड में हुक जो था वो काफी इंटरेस्टिंग था। लेट मी शो यू द कैंपेन, दिस इज द कैंपेन मील फॉर टू RS 299। सो दिस इज बेसिकली व्हाट के यहाँ से लोगों को अटेंशन मिली कि यार इतना सस्ता एक रेस्टोरेंट कैसे दे सकता है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो कैंपेन हुआ वो हमारा यही वाला कैंपेन हुआ। सो फाइनली अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैंपेन जरूरी नहीं है कि जब कैंपेन चलता है तो वो सक्सेसफुल ही जाए आपका। आपको ये बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें जो ध्यान रखनी होती है। आपका हुक ध्यान रखना पड़ता है, आपको कुछ चीजें ऐसी ध्यान रखनी पड़ती है कि जिसपे आपका कैंपेन वायरल हो सकता है। आपको कुछ ऑफर्स देना है। सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक कि वहां पर लोग जो है वो अपने इंटरेस्ट से आए हुए हैं, वहां पे लोग अपने फोटोज शेयर करने आए हैं, वीडियोस देखने आए हैं और आप उसके बीच में अपना ऐड लेके आएंगे और वो भी कुछ ऑफर नहीं होगा उसमें, तो वो कहीं ना कहीं फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट ऐड दिखा के सेल चाह रहे हैं, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो आपको हुक का ध्यान रखना है और इजी नहीं है, पूरा इसका पूरा एड्स कॉपी बनती है, पूरा वर्क होता है, स्ट्रेटजी बनती है, उस हिसाब से बिजनेस जनरेट होता है सोशल मीडिया के थ्रू। मिस्टेक्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आप रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। एक पहला तो ये हो गया कि कैंपेन में हुक नहीं है, और बाकी की मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, कोई गोल सेट नहीं करते। वेस्टिंग ट्रैफिक, लोग क्या करते हैं लाइक्स और कमेंट्स के लिए कैंपेनिंग बूस्टिंग करते हैं, आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, आपका ट्रैफिक वेस्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके की जो मिस्टेक्स करते हैं लोग, तो ये रिजल्ट्स का ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ से रिजल्ट इस तरीके से नहीं मिलते। एंड इफ आई विल टॉक अबाउट रूल्स फॉर सोशल मीडिया, अब आपको करना क्या चाहिए सोशल मीडिया के लिए, तो लेट मी टेल यू ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अकाउंट्स का ऑप्टिमाइजेशन करना है। गोल्स, अपने गोल्स फ्रेम आउट करने के पहले आपको क्या करना है, बिजनेस किस स्टेज में, ब्रांडिंग स्टेज में, अवेयरनेस स्टेज में, किस स्टेज में, या फिर रिजल्ट, अब आपको रिजल्ट रीमार्केटिंग के फेज में है कि मतलब आपने मार्केटिंग इतनी कर दी है कि अब उसको रीमार्केट करना है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। फिर आपको अपनी ऑडियंस देखनी है कि किस टारगेट ऑडियंस को, किस सेक्टर को आपको टारगेट करना है। देन अटेंशन, फिर आपको अटेंशन लेनी है विद द हेल्प ऑफ दिस हुक। So basically these are the 5 points that is really really important when you are going for social media marketing. Yes, social media आपको बहुत अच्छे result दे सकता है, लेकिन अगर आप एक particular strategy से चले, एक particular way में चले, एक funnel बना के चले, तो आपको बहुत अच्छे results मिल सकते हैं। So I hope कि ये video आपके लिए बहुत interesting रहा होगा, बहुत knowledgeful रहा होगा। And let me know in the comment section what you are thinking about social media marketing. क्या आपने कभी अपने business के लिए social media marketing को opt करा, या आप करना चाहते हैं, या आपको कुछ problems आ रही है? So let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video.